नमस्कार दोस्तों, खाना फटाफट में आज लेकर आई हूँ हरे धनिया का चटनी। अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्पाइसी खाने के लिए मना किए है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो आप हरे धनिया का चटनी खाइए। ये चटनी आपको स्पाइसी खाने से दूर रखेगा। चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स पे क्या क्या लगेगा। फ्रेश धनिया का पत्ता ली हो और ली हो कच्चा टमाटर, हरा मिर्ची, दो तीन कली लहसुन का टुकड़ा और ली हो नमक, थोड़ा सा शक्कर और सरसों का तेल। मेरी ये रेसिपी अगर देखते देखते आपको थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो सब एक एक करके डाल के हम लोग इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम लोग पानी नहीं डालेंगे। पानी डालने पर ये जो चटनी हम लोग बना रहे हैं इसका टेस्ट कुछ अलग हो जाएगा। ग्राइंडर पे धनिया का एक बार पेस्ट हो जाने के बाद उसके साथ नमक, शक्कर, सरसों का तेल और बाकी का जो टमाटर हम लोग अलग से रखे थे वो सब ऐड करके फिर से एक पेस्ट बना लेना है। तो हो गया हमारा हरा चटनी, धनिया का चटनी। क्योंकि इसमें कुकिंग का कुछ बात नहीं है, इसको पेस्ट कीजिए, ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और फ्रिज में स्टोर कीजिए। इसको आप गर्मा गर्म बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हो या तो पराठा, पूरी, रोटी किसी के साथ खा सकते हो। मैं तो ऐसे यूं ही खा लेती हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है चटपटा सा एक चटनी, बहुत ही टेस्टी। आप हाँ, आप अगर फीवर के बाद ये चटनी खाते हो तो आपको मुँह में खाने का जो टेस्ट निकल जाता है वो फिर से लौट आएगा। तो आज ही घर पे एकदम सा इजी ये धनिया का चटनी बनाइए और सबको सर्व कीजिए। और मेरे ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कमेंट करने ना भूलें। तो फिर कल मैं फिर से और एक नए रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।